देखिए ये भव्य तस्वीरें रेलवे स्टेशन का, वो अब राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। और आप देखिए ये भव्य तस्वीरें लोकार्पण की। और आपको याद होगा कि अयोध्या कैंट पहले, जिसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया था, वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइन्स हुआ करती थी, अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है। और इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन्स पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ पर आगे बढ़ रही है, और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी, उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पर भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक के इतिहास में पहली बार रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इन सभी कीर्तिमानों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है, और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि काशी जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं, इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और रश्मि वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है, कई सारे फेजेस में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जगह बहुत कम थी वहां पर, चौड़ीकरण किया जाना था। 3 लेन को अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा, और उसके बाद जो टर्मिनल के लिए या स्टेशन के लिए जगह बचती है उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का निर्माण करते हैं प्रतीक्षालय के लिए। फैजाबाद का जो पुराना जंक्शन है जिसको अयोध्या कैंट कहा जाना जाना जाता है, अयोध्या कैंट का विस्तार तो है ही, जो कि शहरी सुविधाओं से पहले से ही लैस है। तो जैसे जी, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। कहा जाता था वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है, ये एक नई पहल। आपको याद होगा अगर आपने जब पहले सफर किया होगा, संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की जरूरत होगी, कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग सड़क परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के जरिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बसों के जरिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्री ये कह रहे हैं कि अमृतकाल में भारत प्रवेश कर रहा है। ये जो नई शुरुआत है इस वक्त आप देख रहे हैं, हरी झंडी दिखा करके अमृत ट्रेन को रवाना करने की तैयारी हो जा चुकी है। ये बिल्कुल लाइव विजुअल्स, अमृत ट्रेन अब रवाना अयोध्या के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से। हाँ करतल ध्वनियों के बीच स्पष्ट तौर पर आपने देखा कि 6 वंदे भारत ट्रेन्स और 2 अमृत भारत ट्रेन्स उनको भारत को समर्पित किया गया। जिन 6 वंदे भारत ट्रेन्स को रवाना किया गया है, हरी झंडी दिखा करके उसमें श्री माता वैष्णो देवी